ना लौटा ना ही लौटा सका। आज तक कोई बचपन ही पर पैसे छोड़कर बैठे तो याद आ गई बचपन की। सुप्रभात, मैं आकृति कक्षा 8वीं डी की छात्रा आज आप सबके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका विषय है दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों का बच्चों पर प्रभाव। किसने सोचा था कि केबल और डिश के जमाने में कोई दूरदर्शन चैनल भी देखेगा। वक्त कब कैसे बदल जाए ये कोई नहीं जानता। कोरोना लॉकडाउन ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। दूरदर्शन पर दिखाए जा रहे रामायण तथा महाभारत ने एक बार फिर रिकॉर्ड कायम किया है। अब लोग सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग की जगह राम राम या प्रणाम कहने लगे हैं। बच्चों में भी पुराने जमाने के गुरुकुल को लेकर काफी उत्सुकता है। वे जानना चाहते हैं कि पुराने जमाने में बिना कंप्यूटर और बिना मोबाइल के पढ़ाई लिखाई कैसे होती थी। देश की नई पीढ़ी के व्यवहार में एक सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। इन धारावाहिकों की भाषा शैली बच्चों को काफी भा रही है। अब बच्चे इस भाषा का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करने लगे हैं। घूमने फिरने के शौकीन तो रामायण महाभारत देखने के बाद यह सोचते हैं कि कब लॉकडाउन खत्म हो और वह उन जगहों पर घूमने जा सकें जिनका जिक्र इन धारावाहिकों में किया गया है। मेरे विचार से तो दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले ये धार्मिक कार्यक्रमों का बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है। दूरदर्शन एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य अपने जीवन को आनंदित तथा उज्ज्वल बना सकता है। लेकिन वास्तविक बात तो ये है कि किसी भी वस्तु में गुण ही नहीं बल्कि दोष भी होता है। अमृत का प्रयोग भी अगर सीमा से ज्यादा हो तो वह भी हानिकारक होता है। अतः हमारी युवा पीढ़ी को संयम में रहकर इन धार्मिक कार्यक्रमों को देखने की आवश्यकता है। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी, बचपन की यादों का दर्शन डब्बे वाला टीवी और दूरदर्शन। धन्यवाद।